अस्पताल में जो है लाशें पड़ी रहती हैं, लेकिन कोई इलाज करने वाला, डेड बॉडी ले जाने वाला, हटाने वाला तक नहीं। मुख्यमंत्री आवास से लेकर उप मुख्यमंत्री कार्यालय तक कोरोना पहुंच गया। पूरा सचिवालय, कई मंत्री, कई विधायक, पार्टी ऑफिस, बीजेपी की स्थिति तो ये हो गई कि 100 सैंपल लिया गया जिसमें कि 75 लोग जो हैं पॉजिटिव पाए गए। ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, संक्रमण और फैला रहे हैं बीजेपी के लोग। ये कौन से जमात के लोग हैं? ये जो 100 में से 75 जो पॉजिटिव हुए, कौन से जमात के लोग हैं? कौन कोरोना फैला रहा है? हम तो ये बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, आप लोगों को चुनाव की चिंता है, यहाँ लोग मर रहे हैं। हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि जान है तो जहां है, और ये लोग चुनाव की तैयारी अपनी कर रहे हैं, ना कि बिहार के लोगों का ध्यान रखना। बेहतर अस्पताल व्यवस्था करानी चाहिए, टेस्ट की प्रॉपर व्यवस्था करानी चाहिए, वेंटिलेटर की व्यवस्था करानी चाहिए, पीपीई किट जो है डॉक्टर को धरना देना पड़ता है कि भाई उनको उपलब्ध करा दिया जाए पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर। और बिहार जो है सबसे आखिरी पायदान पर है, एकमात्र कोविड के लिए हॉस्पिटल है डेडिकेटेड NMCH, थोड़े से बारिश में जो है डूब जाता है। तो हम लोग तो यही कहते रहे हैं कि ये भाजपा के लोग या नीतीश कुमार जी, इनके वजह से तो कंट्रोल करना चाहिए इतने महीनों में, तो अब बेकाबू हो गया। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है?